अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? सबसे ज़्यादा फ़ातिमा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पर पानी पड़ रहा था तो नीचे से थोड़ा सा व्यू ली मैं, एक साथ स्पीड पानी पड़ रहा था तो भी, और देखो बारिश बतला रही हूँ हैदराबाद की। और यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, खाना पक गया। यहाँ पर दो तीन दिन का एक साथ ब्लॉग ले रही हूँ, देखो रात में फिर रंडूंगा खाना भाजी अंबाड़े का अचार। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, अब लगा सब मिलके खा ले रहे, और मिक्सचर था पूरे मिलके बैठ के खा लिए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तो सब बतला रही मैं, और दाल भी थी थोड़ी सी वो भी खा लिए। खाना है पूरे बच्चों को ये सूप दे डाली। नेक्स्ट मॉर्निंग पास्ता बनाई, पास्ता फ्राइडे का, ये जुमेरात और ये जुम्मा है, जुमेरात का बतलाई थी आप सभी को और ये जुम्मे का है। जुम्मे के दिन सुबह में होटल से मंगाए थे रोम, अब पूरी साग हो गया खाली हम सब, और फिर मैं 1-2 बजे पास्ता बनाई। यहाँ पर पास्ता पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के उबाल डाली, इसके बाद में फिर उसकी रेसिपी देती हूँ आप सभी को पास्ते की। अच्छे से हिला के करके फिर मैं रख दी, और यहाँ पर डाले अदरक और बोलते सो ऐसा और लहसुन और हरी मिर्ची को अच्छे से मैशर में, अच्छे से मैशर है उसको अच्छे से पीस दी, और टमाटरों को भी अच्छे से पीसी, प्याज को भी अच्छे से कर डाली मैशर में, और ये पूरे सॉसेस है टमाटो सॉस, और ये मेयोनीज है टमाटो केचप, मेयोनीज, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, पूरे मिक्स एक जगह रखी बॉटल्स, और यहाँ उबल गया तो उसके बाद में फिर देखी मैं ये सो पीसी सो दाल डाली गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची और अदरक, अच्छे से भुने के बाद देखो ऑयल डाल के यहाँ पास्ता अच्छे से धो के ठंडे पानी में धो के थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दी, और यहाँ पर अच्छे से भून रही हूँ उसको, उसमें की स्मेल निकल जाना स्ट्रॉन्ग स्मेल, और प्याज भी चॉप करी सो चॉपर में, उसको अच्छे से भून के फिर इसके अंदर टमाटे भी डाल डाली, उसको भी अच्छे से भुनने लगे टमाटे डाले मैंने, भून के अच्छे से भुने गए मैंने, फिर टमाटे डाल डाली, टमाटे डाल के टमाटे को भी थोड़ी देर रख दी इसके अंदर, फिर टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, विनेगर, नमक सब डाल के अच्छे से भून के बनेंगे, और इसके अंदर चिकन भी डाल सकते अपने को पसंद आया तो। वो चिकन का भी एक खुद बना के बतलाती हूँ पास्ता कैसा बनाते हैं, और यहाँ पर बतला रही थी साग और पूरी बोलती तो बच्चों को रख दी थी मैं, हम लोग सब मिल के नाश्ता कर लिए, थोड़ा सा नमक हुए डाले बने भुने गए बने इसके अंदर, फिर मैं टमाटर लाल मिर्ची और हल्दी, इसके बाद में फिर टमाटो केचप, चिली सॉस, सोप सॉस, पूरे सॉस में डाल डाली, मेरे को अंदाज़ा है अंदाजे के वास्ते डाल दे रही हूँ, आप लोग 1 टेबल या 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, अच्छी सी ग्रेवी होना है तो आप सभी को, और यहाँ पर सोया सॉस भी है देखो ये भी डाल दे रही हूँ, अच्छे से भुन गए बाद में, विनेगर है ये भी वेजिटेबल विनेगर है, अच्छे से भुन के फिर मैं क्या करी थोड़ा सा पके बाद में पास्ता डाल डाली, मेयोनीज भी डाली इसके अंदर मैंने, थोड़ा सा टेस्टिंग पाउडर भी डाली,
फिर ये चिली सॉस, रेड चिली नहीं है तो, सॉरी रेड चिली नहीं, इसको ना बोलते थे सर, चिली फ्लेक्स नहीं था मेरे पास, और मेयोनीज डाल डाली मैंने, मेयोनीज डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके फिर थोड़ा सा पकने दी मैं, पास्ता है सो ये भी डाल डाली इसके अंदर अच्छे से हिला के, फिर इसको ग्रेवी के वास्ते रख दी इसके अंदर, ग्रेवी के सर का बनाई मैं, देखो बन गया, जूजी जूजी था, अच्छा सा यम्मी टेस्टी। ऊपर से ये हैदराबाद में स्पेशल है कि कोतमीर हो ऊपर से निदाले तक जब तक हंडी नहीं मुकम्मल होती पूरे, कुछ आप सभी को मालूम है, यम्मी टेस्टी डिलीशियस बना था, अच्छे से था। इसके बाद में सब बच्चों को सर्व करके ही बतलाती हूँ, यहाँ पर मेरे बच्चों को दे रही हूँ, सर्व करके बतला रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर से केचप भी डाल लिया उन्होंने, क्या मस्त दिख रहा था। आओ आइए आप सभी लोग पास्ता खाने के वास्ते, यहाँ पर देखो टमाटो केचप डाल लिया हमें, इसके बाद में फिर यहाँ पर भी फिर सब जनों को बिठा के घर में, सब जनों नीचे बैठ के पूरे मिल के हर सर्व करके बतला रही है भी, जो टमाटो केचप भी डालती और विनेगर वो मेयोनीज भी डालती, यहाँ पर मम्मी को नहीं आ रहा था डालने, फिर मैं डाली मेयोनीज और टमाटो केचप, सर्व करके सबको ऐसे दे डाली मैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फिर यहाँ पर, नेक्स्ट मॉर्निंग हफ्ते का दिन है और मॉर्निंग देखो सुबह उठ के है मेरा बच्चा, इसके बाद में फिर सता रहे थे देखो, वीडियो नहीं लेना बोल के मेरे को छुड़ा रहा था, और यहाँ पर फली बनाए थे जुम्मे के दिन शाम में, फली हुए सो फल मौका खा लिए, और सुबह में खाना था उसको अच्छे से फ्राई करी मैं, सो फली बटाने टमाटे प्याज हुए डाल के अच्छे से फ्राई करके, फिर उसको थोड़ा सा नींबू हुए डाली, फिर यहाँ पर जो खाना नहीं खाते तले हुआ रोटी है, रोटी भी, और इसके बाद में फिर अंडा तल के दे डाली। आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आता है न्यू वीडियोस आते, और दुआ में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर।